सेकेंड सेमेस्टर की काफ़ी ज़्यादा टीचिंग रहती थी, जबकि जो बाकी सेमेस्टर हैं 4, 6 एंड 8 एंड यू नो इसी तरह PhD के, उनमें उनकी काफ़ी टीचिंग हो चुकी थी, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की टीचिंग बहुत कम हुई थी, तो उन्हें इस तरह से मेजॉरिटी ऑनलाइन टीचिंग पर जाना पड़ेगा। और इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि 15 जुलाई को जब हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए अलाउ करेगी, तो बाकी सब क्लासेस के एग्ज़ाम्स 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हम 15 अगस्त से पहले शुरू नहीं करेंगे। और उसका मकसद यही है कि वो एक माह 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक वो टाइम होगा जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फेस टू फेस टीचिंग के लिए या अपनी लैब्स के लिए या कोई भी अपने प्रोजेक्ट के ऐसे काम के लिए जहाँ पे लैब की ज़रूरत हो वो उनको वो एक महीने का मौका मिल सके। तो इस वजह से ये एक महीना सेकेंड सेमेस्टर को हम एक्स्ट्रा देंगे ताकि वो ऑनलाइन टीचिंग, जैसे मैं दोबारा वाजे कर दूँ कि 1 जून से ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो जाएगी, 15 जुलाई तक ऑनलाइन टीचिंग रहेगी, 15 जुलाई को बाकी सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम 15 अगस्त से होंगे। तो इस तरह से उनको एक महीने का टाइम मिल जाएगा अपनी फेस टू फेस टीचिंग के लिए, और सो दैट वुड बी इन एडिशन टू ऑनलाइन टीचिंग विच दे हैव ऑलरेडी यू नो received between 1st of June and 15th of July. और इस तरह से उनके exams फिर 15 अगस्त से शुरू होंगे, तो उनका face to face interaction और labs की interaction का मौका मिल जाएगा।